हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट इफ 5 log base ABC, ABC यहाँ पे a³ + b³ + c³ = 3 लेमडा 1 + log base 3 ABC डिवाइडेड बाई log base 3 ABC। आगे दिया हुआ है हमारे पास कि एंड ABC रेज टू पावर a + b + c = 1 एंड लेमडा = m/n वेयर m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ m + n प्लस ऑफ m - n इज इक्वल टू। ओके, सबसे पहला काम तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये वाली ये क्या दिया हुआ हमारे पास, ABC रेज टू पावर a + b + c = 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABC रेज टू द पावर। इसका मतलब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, a + b + c इज इक्वल। हम लोग क्या जानते हैं कि a³ + b³ + c³ - 3abc तो क्या होता है, a + b (a²+b²) है ना, ab - bc ए होता है। तो वहां पे देखो मल्टीप्लायर में a + b + c है, तो ये तो हो गया जीरो। अब अगर ये जीरो हो गया तो हम लोग इसको अब क्या करें, एक एक साइड ले लेते, मतलब a³ + b³ + c³ + c³ = 3 times of abc। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब हम लोग क्या करें, हमें चाहिए ये, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a³ + b³ + c³ वैल्यू यहाँ पे डाल देते। तो लिखा देयरफॉर 5 log ABC, ये हो गया हमारा 3 ABC, ये आ गया हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 3 times of lambda। अब ये देखो 1 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ये base 3 of 3, क्यों base 3 लिया, क्योंकि यहाँ पे base 3 लिखा हुआ है, plus log base 3 ABC whole divided by log base 3 of ABC = 3 lambda। अब log की प्रॉपर्टी लगा देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा log base 3 3 ABC डिवाइडेड बाई log base 3 ABC। अब इसको अगर मैं प्रॉपर्टी log का फिर से लगा दूं, तो लेमडा टाइम 3 एक हट जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ बेस, यहाँ पे ABC है, ये हो जाएगा बेस में ABC और यहाँ पे 3 ABC। अब देखो यहाँ पे ये log बेस ABC और यहाँ पे 3 ABC, ये भी हमारे पास वही चीज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 = λ, this imply that λ = 5/3, this imply that ये, और ये लेमडा दिया हुआ है m/n, ये m/n का मतलब क्या हो गया, m हमारा 5 हो जाएगा, n हमारा 3, therefore mod of m + n plus of mod of m - n, ये एक तो 8 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 5 + 2, तो ये इसको कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, that is equals to 10। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।